बदलती लाइफस्टाइल के कारण हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक का शिकार हो रहे लोग। नमस्कार, मैं रश्मि पांडे और आप देख रहे हैं हापुड़ हलचल। डॉक्टर विवेक प्रकाश अग्रवाल, मेट्रो अस्पताल एवं हृदय संस्थान नोएडा सीनियर कंसल्टेंट इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट ने बताया कि कोरोना महामारी के बाद से हार्ट अटैक के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। अच्छे खासे लोगों की अचानक चलते फिरते नाचते गाते काल के गाल में ये समा रही हैं। हार्ट अटैक के बढ़ते मामलों का बड़ा कारण बदलती जीवन शैली और खान पान है। लोग जंक फूड, तेल वाले खाद्य पदार्थ ज्यादा खाने लगे हैं। ये शरीर को कई तरह से नुकसान पहुंचाता है। शरीर का कोलेस्ट्रॉल से बढ़ता है और इसी अल्कोहल धूम्रपान करने से लीवर और फेफड़ों पर असर पड़ता है। साथ में शरीर के अन्य हिस्सों को भी ये प्रभावित कर देता है। कोरोना के बाद युवाओं में बॉडी बनाने को लेकर ज्यादा ही जोश देखने को मिला। इसके लिए युवा तमाम तरह के सप्लीमेंट्स का यूज करने लगे। ये बहुत ही खतरनाक होते हैं। इससे शरीर के कई ऑर्गन फेल हो सकते हैं। इसके अलावा शराब, सिगरेट व अन्य नशीले पदार्थ भी लोगों के दिल को कमजोर बनाते हैं। इसके अलावा अधिक एक्सरसाइज भी करना खतरनाक है। इससे दिल की गति तेज हो जाती है तो ब्लॉकेज कर सकती है। इसके अलावा नौकरी व अन्य कारणों से युवा स्ट्रेस भी बहुत ज्यादा लेने लगे। रात रात तक काम करते हैं, नींद कम लेते हैं। स्ट्रेस का सीधा असर दिल पर पड़ता है। यही कारण है कि युवाओं में हार्ट अटैक के मामले बढ़ गए हैं। कोरोना ने लोगों के इम्यून सिस्टम पर काफी प्रहार किया। इसके चलते लोग अंदर से कमजोर हो गए। ऊपर से वो फिट दिखते हैं लेकिन अंदर बीमारियों ने घर कर रखा है। यही बीमारियां जब ज्यादा बढ़ जाती हैं तो अचानक हार्ट फेल्योर का सामना करना पड़ता है। ब्लड प्रेशर बढ़न, सीने में भारीपन महसूस होना, उलझन होना, धड़कन बढ़ना, सीने में दर्द होना, किसी एक बाह या दोनों में दर्द होना, थोड़ी सी कसरत करने पर सांस फूलना, पैरों में सूजन होना, गले, जबड़े, पेट या कमर के ऊपरी हिस्से में दर्द ना, सीने में खिंचाव या जलन महसूस होना, हाथ पैर में अचानक से कमजोरी महसूस होना, अचानक मुंह टेढ़ा होना, इसके लक्षण हैं। जो प्रोसेस होते हैं तो वहाँ सब चीजें हैं, जंक फूड बढ़ जाने, वो सब चीजें हैं जो टेंशन का जो लेवल्स है। और मैंने आपको बताया था कि अब डायग्नोसिस की जो फैसिलिटीज है वो भी बहुत काफी बढ़ रही है। आज की पहले जो चीजें होती थी कि डायग्नोस ही नहीं हो पाता था कि 20 साल का लड़का था एक्सपायर कर गया पता नहीं, पर आज रियली ऐसा होगा कि उसकी डायग्नोसिस ना पता लगे। जब हम देखते हैं, हमने ईसीजी करा कि उसको तो हार्ट अटैक पड़ा हुआ है। सीनियर कंसल्टेंट न्यूरो एंड स्पाइन सर्जन डॉक्टर अनुतोष सिंह ने बताया कि देश में ब्रेन अटैक या स्ट्रोक से हर 2 मिनट में एक व्यक्ति की मौत हो रही है। हर 20 सेकंड में एक व्यक्ति को अटैक होता है। ब्रेन स्ट्रोक के लक्षण दिखने पर मरीज को 4.5 घंटे के अंदर अस्पताल पहुंच जाना चाहिए। देरी होने पर जटिलता बढ़ सकती है। 65 वर्ष से कम आयु के हर 4 में से 1 व्यक्ति को स्ट्रोक हो सकता है। सेहत का ध्यान, उचित खान पान और व्यायाम से इससे बचा जा सकता है। सीनियर कंसल्टेंट न्यूरो एंड स्पाइन सर्जन डॉक्टर आकाश मिश्रा ने बताया कि ब्रेन स्ट्रोक एक न्यूरोलॉजिकल स्थिति है। मस्तिष्क को खून की आपूर्ति करने वाली नसों के फटने या ब्लॉकेज की वजह से ऐसा होता है। यह अचानक होता है। बोलने व समझने में परेशानी होना, भ्रम का अनुभव करना, बोलने की गति धीमी होना, समझने में कठिनाई महसूस करना, चेहरे, बांह या पैर में सुन्नता, शरीर के एक तरह के अंग का अचानक से सुन्न हो जाना, कमजोरी महसूस करना, अचानक सर में तेज दर्द, कुछ समय के लिए दृष्टि बाधित होना प्रमुख लक्षण। लास्ट के 3-4 साल में देखा है कि जो 30 साल के कम के भी उनको भी हार्ट की प्रॉब्लम्स आ रही हैं। हम जब देखते हैं जो इमरजेंसी में आते हैं तो उनको हार्ट अटैक पड़ा हुआ होता है और उसकी वजह आजकल हमारी जो लाइफस्टाइल है बहुत चेंज हो गया है। एक हम टाइम पर अगर उस चीज को देख सकें और इस जो हार्ट अटैक को बचाने की कोशिश कर सकते हैं। साथ ही एक ही समय में अपने सर पर दोनों हाथों को उठाने की कोशिश करें। यदि एक हाथ गिरता है तो वहां स्ट्रोक हो सकता है। मुस्कुराने में यदि एक तरफ का होंठ ना उठे या झूल जाए तो यह स्ट्रोक की निशानी हो सकता है। बचाव के लिए जरूरी है कि उच्च रक्तचाप को नियंत्रित करें, आहार में कोलेस्ट्रॉल व संतृप्त वसा की मात्रा कम रखें, स्वस्थ वजन बनाए रखें, मधुमेह पर नियंत्रण करें, फलों और हरी सब्जियों का सेवन करें, नियमित रूप से व्यायाम करें। ज्यादा तंबाकू व शराब के सेवन से स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। अवैध नशीले पदार्थों के सेवन से बचें। जैसे जैसे आदमी की एज बढ़ती है ये हार्ट की प्रॉब्लम्स बढ़ती जाती है। अगर हम देखें तो ये लक्षण उन मरीजों में उन आदमियों में ज्यादा होते हैं जिनके घर वालों में ये पहले से ही होती है, जिनकी फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव होती है। और अगर देखा जाए तो ये मेल पर्सन में ज्यादा होते हैं इन कंपेरिजन टू अगर कोई जो फीमेल्स होती हैं। बाकी जो है जैसे कि स्मोकिंग करना, अधिक मात्रा में अल्कोहल लेना, जंक फूड का सेवन करना, अपनी आदतें हर टाइम व्यायाम नहीं करना, ये सब चीजें होती हैं। और किसी वजह से अगर उसको पहले से ही डायबिटीज की
या हाइपरटेंशन। बंसल लैब के डॉक्टर विक्रांत बंसल का कहना है कि हार्ट अटैक और ब्रेन अटैक की बढ़ती समस्याओं को देखते हुए मस्टी स्पेशलिटी ओपीडी सेवाएं शुरू की जा रही हैं, जहां मेट्रो अस्पताल के विशेषज्ञ डॉक्टर परामर्श देंगे।